एक देश का नाम है रोम, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष बन गए हैं बिरला ओम। लोकसभा का आपको अच्छी तरह चलाना है काम, वेल में आने वालों का ब्लैक लिस्ट में डालना है नाम। नरेंद्र मोदी जी और आपका दिल है विशाल, राहुल जी आप अब रहो खुशहाल। हम सब मिलकर हाथ में लेते हैं एकता की मशाल और भारत को बनाते और भी विशाल। आपका राज्य है राजस्थान, लेकिन लोकसभा की आप बन गए हैं जान। भारत की हमें बढ़ानी है शान, लेकिन मेरी रिपब्लिकन पार्टी है, मुझे मंत्रालय दे दिया है, तो मेरी पार्टी भी मतलब आपके साथ है, मतलब अपने को देश को चलाना है। राहुल जी का बर्थडे आज है, राहुल जी का बर्थडे आज है, कल है क्या? राहुल जी को भी मतलब वो हमारे मित्र है, और मतलब आपको वहां बैठने का मौका मिला, इसीलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। आपने बहुत कोशिश की, मतलब लोकतंत्र में होता है कि भाई लोकतंत्र में तो जो लोग चाहते हैं उनकी सत्ता आती है, आपकी सत्ता बहुत साल तक रही। जब आपकी सत्ता थी तब मैं आपके साथ था, लेकिन और चुनाव के पहले मुझे लोग कांग्रेस के बोल रहे थे कि भाई इधर आओ इधर आओ, लेकिन मैं बोला उधर जाकर मैं क्या करूं। मैंने हवा का रुख देखा था कि हवा नरेंद्र मोदी जी की तरफ जा रही है। लोगों ने जो मैंडेट दिया है उसको मानकर मैं अपोजिशन को भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिल पास करने के लिए, देश को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने बताया है कि भाई जो भी छोटा दल हो, कोई भी हो, हम सबका तो सुनेंगे, सबको न्याय देने का काम करेंगे, सभी राज्यों को न्याय देने का काम करेंगे। इसीलिए हमारी सरकार 5 साल तक चलेगी, 5 साल होने के बाद और 5 सीट चलेगी और बाद में 5 साल चलती रहेगी, मतलब हम इतना अच्छा काम करते रहेंगे। हम अच्छा काम करते रहेंगे तो हमारी सरकार आती रहेगी, हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो तुम आ जाओ, लेकिन हम तुमको जल्दी नहीं आने देंगे। इसीलिए ठीक बात है, मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ, आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप जैसा एक अनुभवी आदमी है, आप ज्यादा हंसते नहीं है, लेकिन मैं आपको हंसाऊंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं बेकार योजना है, ऐसी योजना मैंने कभी नहीं देखी। पहले नरेगा और फिर कुछ एक नया ज्ञान हुआ तो फिर वो मनरेगा हुआ। अरुण जेटली जी मेरे पास आते हैं, कहते हैं मनरेगा से अच्छा स्कीम नहीं था। मैंने उनसे कहा भैया आप अपने बॉस को क्यों नहीं कहते? तुम कहते हो गरीबी हटाओगे, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? अरे हमने गरीबी की जड़ें इतनी जमा दी है। मोदी तुम उखड़ जाओगे, लेकिन इसे उखाड़ नहीं पाओगे। कोई भी नई योजना लाए, नई तरीके से लाए, तो कुछ लोगों को उम्र तो बढ़ती है लेकिन समझ नहीं बढ़ती है, तो समझने में बड़ी देर लगती है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं गलतियां करता हूँ। मैं आपका नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता नहीं हूँ, सब कुछ समझता नहीं हूँ। इसको समझने में देर लगेगी, लेकिन इसमें कोई बदाम काम नहीं आएगी। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। मोदी जी, अगर हमने हमारे कार्यकाल में सभी स्कूलों में टॉयलेट बना दिए होते तो तुम क्या करते? मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर। मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं? ना, मेक इन इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं। ये
मेक इन इंडिया देश के लिए। थोड़ा सा डर लगता है, बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी। मैं जानता हूं कि आप लोग भी डरते हो, मगर आपको थोड़ा बोलना चाहिए उनके सामने। प्लीज, ये अच्छा नहीं, ये अच्छा। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात सही है कि ये काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं, तो 6 महीने का समय तो अच्छा है। लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा, ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना दूंगा। तो मैं आभारी हूं कि पहले से अनाउंस कर दिया गया है, तो मुझे ये 6 महीना आप एक्सरसाइज बढ़ाने का टाइम मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। बहुत सी ट्यूबलाइट का ऐसा ही होता है। माननीय अध्यक्ष जी, एक शायर ने कहा था, और शायद इस स्थिति को बड़ी सटीक तरीके से, खूब पर्दा है, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सांप छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। पब्लिक सब जानती है, सब समझती है। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है जी, मुश्किल काम नहीं है। जब कभी समय मिलता है तो अर्णब को देखता हूं और देखते से ज्यादा सुनता हूं।